यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सपा बसपा और कांग्रेस पर लगाया बड़ा आरोप। योगी ने कहा, हमने सपा बसपा और कांग्रेस के जिनको एक बोतल में बंद कर दिया है। जी हां, हमीरपुर के राठ विधानसभा क्षेत्र में आयोजित एक जनसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने सपा बसपा और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने नाम लिए बिना कहा कि ये समाजवादी पार्टी नहीं परिवारवादी पार्टी है, वास्तव में तमंचावादी पार्टी थे और उनके तमंचे को, उनके गुंडागर्दी को, उनके भ्रष्टाचार को हमने बोतल में बंद कर दिया है, जैसे कि जिनको बोतल में बंद करते हैं। योगी ने कहा, हमने सपा बसपा और कांग्रेस तीनों के जिनको बोतल में बंद कर दिया है, क्योंकि ये लोग प्रदेश के विकास के लिए अशगुन थे। इन्हें जितना दूर करेंगे प्रदेश का विकास उतना ही ज्यादा तेज होगा। तो समाजवादी परिवारवादी थे ना, वास्तव में समाजवादी और परिवारवादी नहीं थे भाइयों बहनों, ये तमंचावादी भी थे। इन्होंने तो बुंदेलखंड के हर जिले में तमंचा की अवैध फैक्ट्री लगाने का काम किया था, यहाँ के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का कार्य किया था। योगी ने राठ के ब्रह्मानंद डिग्री कॉलेज की जनसभा में वैक्सीन का विरोध करने वालों को भी मुंहतोड़ जवाब दिया। योगी ने स्पष्ट कहा कि यही अखिलेश यादव है जो कोरोना का वैक्सीन लेने के लिए नहीं कहते थे, कोरोना के वैक्सीन का विरोध कर रहे थे, लेकिन आज अगर हम तीसरी लहर में बचे हुए हैं, तीसरी लहर में अगर हमें ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, तो ये दें मोदी सरकार द्वारा स्वदेशी वैक्सीन की है, जो कि हर किसी को फ्री में लगाई जा रही है। अगर वैक्सीन हमने लगवाए इसलिए हमें आज कोरोना नहीं हो रहा है, और अगर हो भी रहा है तो हम आसानी से घर पर ही इलाज कर ठीक हो रहे हैं। जबकि दूसरी लहर को याद कीजिए, कितना कठिन रहा था, कितना मुसीबत झेलनी पड़ी थी कोरोना के दौरान। उस दौरान हमें बहुत परेशानी हुई थी, बहुत लोगों की जानें भी गई थी, लेकिन वैक्सीन के कारण, फ्री वैक्सीन के कारण ही आज हम सही सलामत चुनाव प्रचार भी कर पा रहे हैं। भाइयों बहनों, आज जब मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए, मैं तो आपसे एक अपील करने के लिए आया हूं। मुझे एक बात बताइए, एक कोरोना कालखंड में ये सपा बसपा कांग्रेस के नेता कहीं थे? कहीं दिखाई दे रहे थे? ये परिवारवादी, वंशवादी, बहुरूपिया ब्रांड जो समाजवाद का आया है, परिवारवाद का, वंशवाद का, माफियावाद का, तमंचावाद का, क्या ये लोग भी कहीं थे? कहीं आता पता लग रहा था इनका? लेकिन कोरोना कालखंड में भी डबल इंजन की सरकार कार्य कर रही थी ना, फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन। कितने लोगों ने वैक्सीन ले ली है? और सड़क वाले लोग, क्या आप वैक्सीन से परे हैं? क्या आप में से कितने लोगों ने वैक्सीन ली है? सभी लोग हाथ खड़ा करके मुझे बताओ। आपका अभिनंदन, 100% लोगों ने वैक्सीन ले ली है। भाइयों बहनों, मैं आपसे बताना चाहता हूं, यही वैक्सीन कोरोना महामारी से बचा रही है। तीसरी वेव कब आई, कब चली गई, कोई पता नहीं लगी, क्योंकि कोरोना को हमने, जैसे आपने सपा बसपा कांग्रेस के चिन्ह को बोतल में बंद करके हमेशा के लिए इन्हें राजनीति से खारिज कर दिया है, ऐसे ही कोरोना के जिनको हम लोगों ने भी बोतल में बंद करके हमेशा के लिए ने बंद करके रख दिया है। इसलिए यूपी के समग्र विकास के लिए, यूपी को देश में नंबर वन राज्य बनाने के लिए आप बीजेपी की डबल इंजन सरकार को एक बार फिर मौका दीजिए, तो यूपी को देश का नंबर वन अर्थव्यवस्था वाला प्रदेश बनाने का काम करेंगे, कर रही है। तो भाइयों बहनों, वोट पाने का अधिकार भी तो भारतीय जनता पार्टी को ही होना चाहिए ना। क्या मनीषा रागी जी को भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे? भारी बहुमत से? जी हां, योगी के इस आरोप का जवाब कांग्रेस, सपा और बसपा किस तरह देती है, इसे जानने के लिए आप बने रहिए मोबाइल न्यूज 24 के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।